के प्रीवियस लेक्चर में हमने किन चीज़ों को कवर किया था उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जो हैं वो होते क्या हैं क्या हैं उनकी क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी कुछ वजह क्या है मोटिवेशन क्या है ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स के पीछे देन वी विल स्टडी अबाउट द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स फिर हम कुछ कन्वर्जन एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं और एंड पे इफेक्टिवेस की वो क्या चीज होती है अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कोइड प्रोसेसिंग को स्टडी किया था कोड प्रोसेसिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें चार चीज़ें हमने स्टडी की थी जिसमें बेसिकली डम्पोजिशन होती है उसमें क्वरी ऑप्टिमाइजेशन होती है फिर कोड जनरेशन होती है और फिर क्वेरी की एग्जीक्यूशन होती है ये चार स्टेप्स जो हैं वो है जो हैं वो क्वेरी प्रोसेसिंग में हो लाजमी होते हैं अब क्वेरी प्रोसेसिंग की जो ये चार स्टेप्स हैं उनमें जो पहंपोजिशन का दैट इज फर्दर कैटेगराइज इंटू फोर स्टेप एनैलिस नॉर्मलाइजेशन समेंटिक एनालिस एंड सिम्प्लीफिकेशन अगर हम उसका एक क्विक ओवरव्यू लें तो बेसिकली जो डाइग्राम है ये क्या बता रही है हमें दिस इज क्वाइट सिंपल डायग्राम कि सबसे पहले जो हमारी क्वेरी होती है वो बेसिकली हम लिखते हैं उसको एसक्यूएल लैंग्वेज में एसक्यूल लैंग्वेज में जब हम क्वरी लिख के एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमारी क्वेरी होती है डी कम्पोज डिकम्पोज का बेसिक मतलब यह है कि उस क्वेरी को वो कन्वर्ट करता है बेसिकली और कन्वर्जन के साथ चेक ये करता है कि क्वेरी में जो क्रीडेंशल दिए गए हैं क्वेरी में जो टेबल का नाम था उसमें जो कॉलम्स के नाम थे उसकी जो डेटा टाइप्स हैं क्या वो सही लिखी हैं या नहीं लिखी और इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हुए डेटा बेस बेसिकली आपका सर्वर किसको एक्सेस करता है सिस्टम कैटलॉग को सिस्टम कैटलॉग एक्चुअल में क्या चीज़ है सिस्टम कैटलॉग में डेटा के अलावा सिस्टम में जितनी भी इंफॉर्मेशन है डेटा के रिगार्डिंग जिसमें डेटा के नाम आते हैं उसमें हमारे पास टेबल्स के नाम आते हैं टेबल्स में कॉलम्स के नाम आते हैं कॉलम्स की डेटा टाइप्स आती हैं कॉन्सटेंट्स आते हैं ट्रिगर्स प्रोसीजर्स वट एवर इट इज एक्सेप्ट डेटा वो कैटलॉग में आता है तो जब वो देख रहा होता है कि हाँ जी जो टेबल का नाम यूजर ने दिया है क्या वो ठीक है या नहीं तो बेसिकली किसको एक्सेस करेगा कर? सिस्टम कैटलॉग को कि सिस्टम कैटलॉग में वो टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता या जब वो देखेगा कि भाई जो डेटा टाइप्स यूजर ने मेंशन किए हैं क्या वो वैलिड भी हैं या नहीं तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होगी सिस्टम कैटलॉग में डिकम्पोजिशन के बाद क्वेरी को बेसिकली वो कन्वर्ट करता है रिलेशनल जब्रा फॉर्म में और वो क्वेरी दे देता है ऑप्टोमाइज़र को ऑप्टोमाइज़र उसको मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है और साथ में डेटा पे स्टेटस्टिक्स देखता है दिखता है कि कौन सी वाली क्वेरी जो है वो ज़्यादा ऑप्टेमाइज होगी बाई ऑप्टोमाइज्ड वी मीन कि कौन सी क्वेरी जो है वो ज़्यादा एफिशेंटली एग्जीक्यूट होगी कम टाइम में एग्जीक्यूट होगी जिसको एग्जीक्यूट करने में हमें कम से कम रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे इसलिए वो डेटा पे स्टैटिस्टिक्स को देखता है और उसके अगेंस्ट एक, एक ऐसी क्वेरी जनरेट करता है विच इज़ द मोस्ट ऑप्टेमाइज क्वेरी जो प्लान है उसका फिर कोड जनरेट होता है जिसे हम असेंबली कोड भी कहते हैं और वो असेंबली कोड एंड ऑफ द डे बेसिकली एग्जीक्यूट होता है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वो किसको एक्सेस कर रहा है मेन डेटाबेस को और एक्चुअल मेन डेटाबेस में क्या पड़ा होता है हमारा डेटा पड़ा होता है वो मेन डेटाबेस से डेटा फैच करेगा और एंड ऑफ द डे हमें क्या दिखाएगा क्वेरी का रिजल्ट दिखाएगा दिस इज द बेसिकली रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर जो कि हम काफी डिटेल में देख चुके हैं लेट सी द मोटिवेशन बिहाइंड द लेक्चर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जो है वो उनको पढ़ने का फायदा क्या है उनको यूज कहाँ पे करेंगे लेट से फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक सोर्स पॉइंट है जहाँ से हमने स्टार्ट लेना है और एक हमारे पास डेस्टिनेशन पॉइंट है जहाँ तक हमने पहुँचना है इट कैन बी एनी थिंग एज्यूम दैट इट इज़ लेट से योर होम एंड दिस इज वी आई आई टी योर इंस्टीट्यूट अब सोर्स से डेस्टिनेशन के हमारे पास डिफरेंट पाथ हो सकते हैं लेट से वी हैव अ पाथ ए दैट कैन बी एनी पाथ और वी कैन हैव अ पाथ बी जो कि एक डिफरेंट जो है वो रूट को यूज़ कर रहा है और यू कैन हैव अ पाथ सी विच मे यूज़ अ डिफरेंट पाथ डिफरेंट रूट। द थिंग इज़ कि बज़ाहिर तो हमें पाथ ए छोटा नज़र आ रहा है पर हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल सिचुएशंस हो मल्टीपल आइटम्स uh, हो जिनको हमने मद्देनजर देखना हो लेट्स से कि पाथ ए जो है फॉर एग्जांपल कि पाथ है बज़ाहिर तो हमें स्ट्रेट नज़र आ रहा है पर सोर्स से डेस्टिनेशन पे अगर हम पाथ ए चूज़ करते हैं तो हमारे पास मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सिर्फ पर्सनल जो है वो गाड़ी हो सकती है पर्सनल बाइक हो सकता है उसके अलावा हम पैदल आ सकते हैं और कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब है डिफरेंट लोग जो हैं वो इस पाथ को जो है वो चूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके पास अपना जो है वो कन्वेंस नहीं है पाथ भी लेट्स से कि वहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि पाथ बी पे जो है वो जनरल ट्रैफिक पब्लिक जो है वो ट्रैफिक अवेलेबल है वहाँ से आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसको अवेल करके डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं पर हो सकता है कि पाथ बी जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा रश हो जिसकी वजह से हमें देर से डेस्टिनेशन पर पहुँच सकें देन वी कैन हैव अ पाथ सी हो सकता है बज़ाहिर ये सबसे लंबा रूट हो पर ट्रांसपोर्टेशन भी जहाँ पे अच्छी है और रश भी कम है तो देर में भी अ थिंग पाथ थी जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है फॉर सम पीपल कुछ लोगों के लिए पाथ थी ज़्यादा सूटेबल है और कुछ लोगों के लिए पाथ भी द थिंग इज कि इन तीनों पाथ में से ऑप्टोमाइज कौन सा ऑप्टोमाइज का मतलब ये है के जो कि लेस रिसोर्सिस कंज्यूम करे और जो इसका सल्यूशन है वो बिल्कुल उसका एक्यूरेट होना चाहिए तो वी वांट कि हम अपनी जब क्वेरी सिस्टम को दें तो इसी तरह क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बिना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं एक क्वेरी को डिफरेंट तरीकों से एग्जीक्यूट किया जा सकता है

रिलेशनल जबरा फॉर्म में तो अगर हम इस क्वरी को रिलेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इट कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस इस क्वेरी में सबसे पहले वो स्टूडेंट और एनरोल का कार्टिजन प्रोडक्ट करेगा क्योंकि सीक्वल में जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है दो टेबल्स के दरमियान जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है कार्टिजन प्रोडक्ट को तो स्टूडेंट और एनरोल का कार्टिजन प्रोडक्ट पहले होगा उसका जो रिजल्ट आएगा कार्टिजन प्रोडक्ट का उस रिजल्ट के ऊपर बेसिकली क्या हो रहा है सिग्मा अप्लाई हो रहा है जहां पे एस डॉट एस आई डी टू ई डॉट एस आई डी एंड एस डॉट एन टी वन उसका जो रिजल्ट होगा एंड ऑफ द डे उस पे क्या अप्लाई हो रहा है पाई अप्लाई हो रहा है तो दिस में सिमिलर कोई कैन बी रिटर्न एज लाइक दिस अगेन सबसे पहले स्टूडेंट और एनरोल का का्टीन प्रोडक्ट करें उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके ऊपर सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड लेके कर आएँ जहाँ पर एज है वो ग्रेटर देन ट्वेंटी वन है उसके बाद दोबारा सिग्मा अप्लाई करें और जहाँ पे स्टूडेंट की एस आई डी और एनरोल की एस आई डी सिमिलर है वो लेके कर और एंड ऑफ द डे बेसिकली उस पर क्या अप्लाई करें पाए तो ये दोनों क्वेरीज देखें रिलेशनल में उनको एग्जीक्यूट करने का डिफरेंट तरीका है पर एटीमेटिकल जो है वो सेम है और वी कैन राइट इन अ डिफरेंट वे एज वेल अब यहाँ पे देखें सबसे पहले जो रेड हाईलाइटेड uh, है सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि अलजब्रा का रूल होता है कि इनर ब्रैकेट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले जो चीज़ एग्जीक्यूट होगी वो सिगमा एग्जीक्यूट होगा कि सिर्फ वो स्टूडेंट्स लाए जाएँ जिनकी एज ग्रेटर देन ट्वेंटी है इस चीज़ का जो रिज़ल्ट है उसका कार्टिजन प्रोडक्ट होगा एनरोल के साथ उसके रिज़ल्ट के ऊपर फिर सिग्मा अप्लाई होगा एस डॉट एस आई डी इक्वल्स टू ई डॉट एस आई डी और एंड ऑफ द डे हमारे पे क्या अप्लाई होगा एस डॉट नेम e कॉमर ई डॉट ग्रेड और प्रोजेक्शन होगी बेसिकली so, पॉइंट इज के क्वेरी सेम है इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं एक क्वेरी है और उसकी रिलेशनल क्वेरी जो है वो मल्टीपल हो सकती हैं अब कॉस्ट को अगर देखा जाए तो हमें नहीं पता कि इन तीनों में से किसकी कॉस्ट जो है वो बेस्ट है तो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जो हैं वो हमें कन्वर्जन बताते हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ और रूल्स होंगे जिसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे क्या रूल्स अप्लाई किए जाएँ तो कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है